मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे लिखा है बर्ट ड्यूबिन ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। पावर शब्द का मतलब होता है शक्ति या फिर ताकत, और डिटर्मिनेशन शब्द का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या फिर हम इसे पक्का इरादा भी कह सकते हैं। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का इरादा करने की शक्ति या फिर दृढ़ संकल्प करने की ताकत। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको इस स्लाइड में डॉक्टर ग्लेन कनिंगम दिखाई दे रहे हैं। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन यह कहानी डॉक्टर ग्लेन कनिंगम के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर ग्लेन का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटलांटा प्रदेश में हुआ था। अटलांटा प्रदेश को एक ठंडा प्रदेश माना जाता है। अब हम चलते हैं इस स्टोरी पर। एक छोटे से शहर के एक विद्यालय भवन यानी कि स्कूल हाउस को एक पुराने फैशन की बड़ी व गोल सिगड़ी से गर्म रखा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम का जन्म अटलांटा में हुआ। अटलांटा एक ठंडा प्रदेश है। वहां पर दिन में भी इतनी सर्दी होती है कि लोग सामान्य तौर पर नहीं बैठ पाते, इसलिए वहां के ऑफिसर्स और स्कूल को गर्म सिगड़ी से गर्म रखा जाता है या फिर हीटर से गर्म रखा जाता है और तभी वहां पर काम किया जा सकता है। एक छोटे से 8 साल के बालक जिसका नाम ग्लेन कनिंगम है, यह काम था कि वह प्रतिदिन टीचर और उसकी कक्षा के साथियों के आने से पहले जल्दी स्कूल आकर सिगड़ी में आग लगा दे ताकि कमरा गर्म रह सके। एक ठंडी सुबह किसी ने गलती से मिट्टी के तेल के कंटेनर के अंदर पेट्रोल भर दिया और एक भीषण दुर्घटना हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी का तेल थोड़ी कम देरी में आग पकड़ता है, वहीं पेट्रोल बहुत जल्द आग पकड़ लेता है क्योंकि पेट्रोल में गैस बनती है, और यही कारण था कि वहां पर एक भीषण दुर्घटना हो गई। क्लास और टीचर जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि पूरे स्कूल को आग की भयानक लपटों ने घेर लिया है। जब सबको यह मालूम हुआ कि ग्लेन अंदर है तो सब लोग बेहद डर गए। वे किसी तरह अंदर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग की लपटों से घिरी इमारत में उस छोटे से बच्चे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। बच्चा अर्धमृत हालत में था। उसके शरीर का आधा निचला भाग बुरी तरह से झुलस गया था। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। वह छोटा सा बच्चा अपने बेड पर भयानक रूप से जला हुआ था। बेहोशी की हालत में उसने डॉक्टर को मां से धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। डॉक्टर मां से कह रहे थे कि आपके बच्चे की हालत बहुत खराब है, वह अब नहीं बच पाएगा और शायद यह उसके लिए अच्छा भी है। भयानक आग ने उसके शरीर के निचले भाग को बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता था। ग्लेन ने अपने दिमाग में यह सोच लिया था कि उसे किसी भी तरह जीवित रहना है, और फिजिशियन के लिए ये बड़ी ही आश्चर्य की बात थी कि वह बच्चा किस तरह बच गया। अब मरने का खतरा टल गया था। तो उसने दोबारा डॉक्टर को माँ से धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। माँ से कहा गया कि आग ने मांस को बुरी तरह से जला दिया है, जिससे शरीर का निचला भाग अब नष्ट हो चुका है। इससे बेहतर तो यह होता कि वह मर जाता। अब वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया है, क्योंकि वह अपने शरीर के निचले भाग का इस्तेमाल अब कभी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कुछ अंगों को एम्प्यूटेट करना चाहते थे। एम्प्यूटेट शब्द का मतलब होता है अंग भंग करना, यानी डॉक्टर ग्लेन के कुछ अंगों को काटना चाहते थे। मां ने डॉक्टर को अंग काटने के लिए इनकार कर दिया था। एक बार फिर उस छोटे से बच्चे ने यह सोच लिया था कि उसे जीवन भर
रेंगना नहीं है, बल्कि उसे तो चलना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि वह अपने कमर के नीचे के भाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें जान ही नहीं बची थी। उसके छोटे छोटे पैर बेजान लटकते रहते, क्योंकि उनमें जान ही नहीं बची थी। आखिरकार ग्लेन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, और उस दिन के बाद से उसके माँ और पिता हमेशा ग्लेन की टांगों की मालिश करते, लेकिन उसके पैरों में कोई हरकत ही नहीं होती, उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। लेकिन हमेशा से उसका यह पक्का इरादा था कि उसे चलना ही है। जब वह अपने बिस्तर पर नहीं होता तो अपनी व्हीलचेयर पर बंधा रहता। एक दिन दिन जब साफ था, मौसम धूपदार था, तो उसकी माँ ने व्हीलचेयर को यार्ड में ले आई ताकि उसे ताजी हवा मिल सके। बाकी दिनों के उलट बैठने के बजाय ग्लेन ने खुद को व्हीलचेयर के नीचे फेंक दिया। वह रेंगते हुए घास के सहारे खुद को खींच रहा था। उसकी टांगे पीछे पीछे घिसट रही थी। उसने अपने घर की सफेद नोकदार वाली बाड़ तक अपना रास्ता तय किया। बड़ी कोशिश से उसने अपने आप को बाड़ के ऊपर उठाया, फिर एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक अपने आप को बाड़ के साथ साथ खींचना शुरू किया। उसने निश्चय किया था कि वह चलेगा। उसने रोज ऐसा करना जारी रखा जब तक कि वह बाढ़ के बाजू में चारों ओर आसानी से चल फिर न सका। उसे अपने पैरों में जीवन विकसित करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। अंततः प्रतिदिन की मालिश और उसकी लोहे की छड़, जिसे आयरन परसिस्टेंस यानी कि बैसाखी भी कहा जाता है, से उसने खड़े रहने की क्षमता प्राप्त कर ली, और उसके पक्के इरादे से उसने पहले खड़े रहने की, फिर रुक रुक कर चलने की, और फिर स्वयं अकेले चलने की, और बाद में दौड़ने की क्षमता भी प्राप्त कर ली। ग्लेन दौड़कर स्कूल जाता। वह इसलिए नहीं दौड़ता कि वह दौड़ सकता था, वह इसलिए दौड़ा क्योंकि उसे दौड़ने में खुशी मिलती। वह जहां भी भाग सकता था वह भागा। उसके शहर के लोग अक्सर उसे रास्ते में दौड़ते हुए देखते। वह जहां भी मिलता मुस्कुराता मिलता। बाद में कॉलेज में ग्लेन ने एक ट्रैक टीम बनाई, जहां उसके जबरदस्त दृढ़ संकल्प का उसे बेहद फायदा हुआ, और अंततः उसे कांसस फ्लायर के नाम से जाना जाने लगा। फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वह युवक, जिसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, जो निश्चित रूप से कभी नहीं चल सकता था, जिसके दौड़ने के बारे में भी कोई सोच नहीं सकता था, इस मजबूत और संकल्पित युवक यानी कि डॉक्टर ग्लेन कनिंगम ने मील में दौड़ लगाई और मात्र 4 मिनट और 8 सेकंड में दुनिया का सबसे तेज इंडोर मील दौड़ा। बाद में उसी वर्ष एक प्रतिष्ठित आउटडोर ट्रैक, यानी कि जो बाहर हम दौड़ते हैं उसे आउटडोर ट्रैक कहा जाता है, उन्होंने उस समय तक दुनिया का सबसे तेज मील दौड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दोस्तों, ये था इस पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन। मैं आप सभी के लिए इस पूरी कहानी को एक बार बहुत ही शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो मात्र 8 साल का है, और उसका नाम है ग्लेन कनिंगम। ग्लेन जल्दी स्कूल चला जाता है ताकि वह कमरों को गर्म रख सके, लेकिन वहां पर कोई तेल के कंटेनर में पेट्रोल डाल देता है, जिसके कारण वहां एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना में ग्लेन अपने चलने फिरने की क्षमता को खो देता है। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसकी माँ से ये कहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा होता अगर मर जाता, शायद हमें उसके कुछ अंग काटने पड़ेंगे। लेकिन माँ इन बातों से इनकार कर देती है। माँ उसे घर लेकर आती है, उसके पैरों की डेली मालिश करती है, और एक बार उसे यार्ड में ले जाती है उसकी व्हीलचेयर के साथ।
ग्लेन बड़ी हिम्मत से अपने आप को चेयर के नीचे गिराता है और बड़ी मुश्किल से वह बाढ़ के सहारे खड़ा होता है और फिर वह रोज धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस करता है और आखिरकार वह अपने चलने फिरने की क्षमता को वापस प्राप्त कर लेता है। जब ग्लेन बड़ा हो जाता है तब वह कॉलेज जाता है, वहां पर वह एक टीम बनाता है और वहां पर उसे कांसस फ्लायर नाम से जाना जाता है। इसके बाद अमेरिका के प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ग्लेन कनिंगम एक लंबी दौड़ में भाग लेते हैं और मात्र 4 मिनट और 8 सेकंड में दौड़कर सबसे तेज धावक बन जाते हैं। तो ग्लेन कनिंगम ये सब कुछ इसीलिए कर पाए क्योंकि उनमें एक पक्का इरादा था, उनमें द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था और इसीलिए वह जो आदमी कभी चल भी नहीं सकता था वह दौड़ पाया और न सिर्फ दौड़ पाया बल्कि उसने पूरे विश्व में रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।